अरे यार वो शेख साहब नहीं आए अब तक। हाँ यार आज ही आने वाले थे वो। आज ही आने वाले आ रहे होंगे आ रहे होंगे। अरे देखो वो आ रहे आ रहे आ रहे। अगर तुम्हें बीमारी हो बाबा सिर की तो मिलने आओ दुबई में कभी भी। या अल्लाह हबीब साहब आपका इंडिया में स्वागत है। बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। इंडिया में आके हमको बहुत अच्छी लगी, तुम सब बहुत अच्छी, हम आपको हमारा हबीबी बनाना चाहती। क्या आप हमारा हबीबी बनोगी? तारीफ। शेख साहब इतने हैंडसम आदमी हैं, इतने अमीर आदमी, इतने पैसे वाले आदमी हैं। शेख साहब का इतना लंबा, शेख साहब इतना लंबा पीते हैं रोज की रोज, पता है आपको बहुत महंगा होता है। बस करी यार शेख साहब मुझे अभी भी बनाना चाहते हैं। अभी भी का मतलब क्या होता है? अरे शेख साहब से ही पूछ लो यार। शेख साहब अभी भी का मतलब क्या होता है? अभी भी का मतलब नहीं जानती है अभी भी। हबीबी का मतलब हाँ हल को हटा देती आगे से हबीबी से, तुम जब आसानी से समझ जाती कि हबीबी का मतलब क्या होती। तारीफ। शेख साहब इतने हैंडसम आदमी है, इतने अमीर आदमी, इतने पैसे वाले आदमी है। शेख साहब का इतना लंबा, क्या मतलब शेख साहब इतना लंबा। बीबी में से हाँ हल जाएगा तो क्या होगा? समझ नहीं पा रहा मैं, तू बता। जाएगा तो बीबी शेख साहब तेरी लेना चाह रहे हैं। क्या सोच रहे शेख साहब हमारे बारे में यार? हम ऐसे लड़के नहीं, हम अच्छे लड़के, ग्रेजुएट लड़के हैं। वो क्या ही काम की डिग्री जो तुमने नहीं दी, तुम्हारी बिना बिगड़ी। तारीफ। शेख साहब इतने हैंडसम आदमी है, इतने अमीर आदमी, इतने पैसे वाले आदमी है। शेख साहब का इतना लंबा, मेरा मतलब शेख साहब इतना लंबा पीते है खबर। बस कर। अरे यार ये सलवार कुर्ती में कौन लड़की खड़ी है? छह हजार में तो रसियन आती है। छह हजार में यहाँ अगली साल ही तो सॉरी 6 लाख में होती। तारीफ। शेख साहब इतने ऐसा आदमी है, शेख साहब इतने अमीर आदमी, इतने कसम से एक बात है, शेख साहब बचाओ। या अल्लाह हबीबी तुम्हारे साथ हमारी फटी भी। अरे ये सब छोड़ो यार शेख साहब, यार अपने बारे में बताओ क्या हो रहा है दुबई में? और कुछ तो नहीं, जब हम अगले साल इंडिया आए थे ना तब साल हमारे पीछे कुत्ती पड़ गई थी। कुत्ते ने इतना दौड़ाया हमको, इतना दौड़ाया सच में कुत्तों को देख के हमारी फट गई जी। या अल्लाह हबीबी फटे का निशान है अभी भी। अरे शेख साहब आपने इंडिया में आके कुछ तो सीखा होगा, मैं सुनाओ। या अल्लाह हबीबी अगर तुम्हें बीमारी हो मामा सिर की तो दुबई में मिलने आओ हमसे कभी भी, हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर। अच्छा। बहुत कुछ अच्छे अच्छे इंडियन गाने सीखे हम यहाँ पे। आओ शेख साहब एक गाना मेरे ऊपर। तुम्हारे ऊपर गाती, अभी गाती तुम्हारे ऊपर। या अल्लाह हबीबी तुम्हें गाना गाती, तुम थाली बजाती। ओके बजाती। हाँ तो मेरा पहला गाना इस बंदे पे ये होती कि गोरे रंग पे घुमान न करती, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाती थाली। वाओ 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 शेख साहब, वाओ वाओ शेख साहब, ये अच्छी बात नहीं है, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। दूसरा गाना गाओ। छोरी 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 तुम क्यों गुस्सा हो थी, मैंने तो ताली बोली काली नहीं। शेख साहब दूसरा गाना गा मेरे ऊपर, मेरी बेइज्जती करने लगे तुम। अब मैं अगला गाना गाऊंगी तुमको ताली बजानी। ओके। तुम थाली बजाओगे? ओके बजाओगे। बजाना थाली। गाना अगला ये होती तेनु काला चश्मा जचदा है, जचदा है तेरे गोरे मुकड़े पे, बजाओ थाली। शेख साहब दूसरा गाना गा मेरे ऊपर। चोरी चोरी चोरी
तेरी इतनी चोरी। मैं माफी मांगती यार, तुम और लड़ाई बढ़वा थी अपना मतलबी की। अब मैं रंग पे गाना नहीं गाती तो तेरी बेइज्जती नहीं होगी दोस्त, अब मैं अगला गाना गाती तो सुनो तुम्हारी तारीफ में गाना, तुमको थाली बजानी, ठीक है? तुमको थाली जरूर बजानी। ओके खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा, गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा, बजाओ थाली गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुकड़े पे काला चश्मा, यही दोगे क्या? चुप रे काली, तुम तो बजाओ ताली। अलग अलग चश्मा, गोरे 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 मगर, ओ लगता है भाग गई, मत बजाओ ताली, भाग गई काली। अरे छोड़ो यार शेख साहब, तुम मेरी एक हेल्प करो। बता थी मुझे एक लड़की प्रपोज करनी है, ऐसा आइडिया दो जो वो गुस्सा ना हो। ऐसा आइडिया? हाँ तो सुनो, तुमको मतलब ऐसा आइडिया चाहती, आम की आम और छिलकों के दाम। हाँ तो ठीक है सुनो, तुम सब सुनती तुम्हें भी काम आ जाती, आगे जाती आ जाओ पास में। तुम एक अंगूठी लेके जाती है ना, और लड़की के सामने बैठ जाती है अंगूठी लेके, तुम उसके सामने अंगूठी लेके बैठ जाती है ना, वो तुमसे ये पूछती कि अंगूठी किसकी, अगर तुमको लगा कि ये गुच्छा होती, उसके चेहरे पे गुच्छा दिखती, तो तुम तभी धीरे से बोलती बहन की लोड़ी। सेक्स अप सॉरी अब गलती नहीं करेगी। ओके आ जाती, ये छोड़ो यार तुम, मैं तुम्हें मेरे किस्से सुना थी। सुनाओ। मैं दुबई में बहुत बड़ा डॉन होती, जब मैं बचपन में 26 साल का थी तब से मेरी डॉनगिरी चलती थी। हाँ तुमको मेरा एक किस्सा सुना थी, एक आदमी मुझसे भिड़ गई थी लड़ने के लिए दुबई में, साला मुझसे कहती मैं अंडरवर्ल्ड डॉन होती, लेकिन मैंने कहती मेरे आगे तुम कुछ भी नहीं होती, साले भाग जाए यहाँ से, नहीं इतने जूते भरूंगा। पूछो फिर क्या होती? क्या होती? मैंने बहुत जूते भरे। चलो फ्लैशबैक में बताती। साले जल्दी जूते भर भर भरती 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 मारी। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि तूने थप्पड़ ऐसे मारी या ऐसे मारी। ओ मैं सीख गई, इंडिया में थप्पड़ ऐसे मारती थप्पड़ ऐसे ही तो मारती, और क्या ऐसे मारती। सॉरी। इसको समझा थी, कोने में ले जाती और इसको हमारे तारीफ करती, नहीं तो हमें मार देती, बहुत गुस्सा होती। शेख साहब मैं इसको ले जाता। हाँ उसको समझा थी भाई साहब, गुस्सा नहीं करते। अरे यार शेख साहब इतने नेक इंसान है, उनको क्या पता इंडिया का कल्चर कैसा है। पता है शेख साहब को कभी गाली देते हुए देखा? नहीं ना। तुम उनकी पालतू में तारीफ करने लगे, वो गाली बकते रहे। तो क्या हुआ, गाली माली एक नॉर्मल चीज है यार, गाली तो हो जाती है, लेकिन उनको कभी नशा मसा करती हुई देखा कभी उनको? वो नशा क्या, वो बीड़ी का धुआं आने लगे, खूब मजे कर रहे हो और तुम उनकी फालतू में तारीफ करने लगे हो। इंडिया में मजा आती, वो इतने खुश रह रहे वो और तुम कह रहे हो। तो
तो क्या हुआ यार, नशा मसा वो तो खुद की सेहत खराब हो रही है, बीड़ी तो पी रहा है, और क्या हुआ यार नशे में। कोई लड़की मड़की को चढ़ते हुए देखा? इतने शांत इंसान है, लड़की को चढ़ते हुए देखा कभी तुमने? माल चोरी के बाद देख, उधर देख, उधर उधर देख, लड़के के पीछे कैसे भागा? चल चल हबीबी, तुम्हारी फटी थी। हां फटी। चल हट, ये परंद का ना। चल हट। डीजे कटे दास महाराज, यो यो रैपर, रैपर। डीजे कटे दास महाराज, यो यो रैपर, रैपर। चलो मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ूंगा, मुझे एक अच्छी शायरी सुना दो मेरी तारीफ में। गाने सुनाने की तुम्हारी बस की है नहीं है। बस इतनी सी छोटी बात तो तुमको हम इतनी अच्छी शायरी सुनाती, इतनी अच्छी शायरी सुनाती, तुम्हारा दिल खुश हो जाती। सुना दे शायरी। तुम्हें ताली बजा थी, बजाओगी थाली? तो थाली बजाओ। सबसे स्पीड में दौड़ने वाला जानवर होती घोड़ा। सबसे स्पीड में दौड़ने वाला जानवर होती घोड़ा। और ये है बहन का लोड़ा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों पे शेयर करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।